तो अब हम अपनी पहली सैम्पल रीडिंग करने वाले हैं हिंदी में, और उसके लिए मैं ये टैरो इन वंडरलैंड डेक यूज़ कर रही हूँ, और मेरे साथ यहाँ पे जोजो है। और जोजो, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा 2023 कैसा जाएगा? तो जोजो जानना चाहते हैं कि 2023 कैसा इनका पैन आउट होगा। तो चलिए देखते हैं, आप इसमें से तीन कार्ड्स कोई भी चूज कर लीजिए। थैंक यू। तो ये मेरे पास जोजो के तीन कार्ड्स हैं इस साल के लिए, और इसमें है द वर्ल्ड, द हर्मिट एंड द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जैसे जोजो अभी हर्मिट वाले पोजीशन में है, बैठे हुए घोड़े पे चल दिए नई जगह देखने के लिए, सोचने के लिए, कुछ कॉन्टम्पलेट करने के लिए, कुछ पहले का, कुछ अभी का, कुछ फ्यूचर का। और हर्मिट कार्ड होता है जो अपने अंदर देखने का समय होता है, जो पहले कुछ बीत चुका है उसको, उसके बारे में सोचने का कि वही आपको चाहिए या नहीं, उसके बारे में डीपली थिंक करने का, डीपली सोचने का टाइम होता है। तो वो जो जो यहाँ पे कर रहे हैं, उनके पास पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड कार्ड तब आता है जब आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं, जब आपके लाइफ का दूसरा फेज शुरू होने वाला होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके पास है। लेकिन थ्री ऑफ सॉर्ड्स आप देख सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ दिल में तीन जो तलवारें हैं वो लगी हुई हैं, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। हालांकि ये मेजर आर्कैना कार्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। और ये कार्ड तब भी आता है जब कोई आपसे कुछ ऐसे शब्द कह दे जो आपको चुभ जाए, तो उस सेंस में ये ज़्यादा आता है। तो हो सकता है वो थोड़ा सा जोजो को इस साल फेस करना पड़े, लेकिन जो इनका मेजर आर्कैना कार्ड है हर्मिट और वर्ल्ड, उसके हिसाब से ये फुल सर्कल आके अपने ज़िंदगी का नया फेज शुरू कर सकते हैं। मुझे टैरो पढ़ते हुए अब करीब 19 साल हो गए हैं। 2004 से मैं कर रही हूँ और अब प्रोफेशनली कर रही हूँ। और आप बुकिंग डिटेल्स वीडियो के नीचे सब देख सकते हैं। और इस चैनल पे मैं अपने वीडियोस डालती रहूँगी, अपडेट्स डालती रहूँगी। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें और टच में रहें। थैंक यू।